हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो शाम के 5 बजे हैं, तो इन्होंने गाड़ी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। धो तो सुबह ही दिया था और बहुत ज़्यादा धूप थी पहले, अभी शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर हो आएं, तो वही जाने की तैयारी हो रही है। तो तो यहाँ से देखिए बादल कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम से साफ मौसम है और सफ़ेद से बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ पड़ी होती है। तो यहाँ पे आ गया पहाड़ी वाली माता का मंदिर। तो शाम को काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, तो हमने सोचा हम भी माथा टेक लेते हैं। तो ये मंदिर ना एकदम हाईवे पे है और आने जाने वाले जो भी लोग होते हैं ना, ज़रूर रुकना यहाँ पे चाहते हैं। तो आजकल तो गर्मी है तो अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को। तो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो भी रुकते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग रुक के ही जाते हैं, माथा टेक के ही जाते हैं। तो जो ये शिव जी की बहुत बड़ी वाली मूर्ति है ना, ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चारों तरफ छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, तो सेंटर में ये मंदिर है, तो काफ़ी हाइट पे है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बंदरों को भी मज़ा रहता है क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग दे देते हैं खाने को, और ये बस यहीं पे घूमते रहते हैं। और एक तो हमारी गाड़ी के पास ही बैठ गया था तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं जाएगा कि नहीं, मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं रही थी। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी हम रुक गए हैं हमारे जो गांव से पहले ना रेलवे फाटक है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही हमें रुकना ही पड़ता है। तो अभी भी रुके हुए हैं, काफ़ी देर इंतज़ार किया, तो उसके बाद जाके हम यहाँ से अपने गांव की तरफ चले। लो जी, हम पहुंच गए हैं अपने गांव। तो अभी यहां पहुंचते पहुंचते धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
तो यहाँ पे मम्मी जी तोड़ रहे हैं हरा धनिया। अभी गर्मी आ गई है, धनिया तो ख़त्म हो चुका है लेकिन हमारे घर में अभी भी लगा हुआ है। तो ये देखिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम भी ले चलते हैं, तो इसलिए मम्मी जी हमारे लिए ये धनिया तोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू थी इसकी, दुकान में जो सब्जी की दुकान पे आप लाते हो ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है इस वाले धनिए से। तो अभी अंधेरा हो चुका है, हम वापस आ रहे हैं पठानकोट अभी, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम से बादल आ गए अभी। अभी यहाँ पे हम रुके हैं और देखिए बारिश आना स्टार्ट हो गई है। गाड़ी के आगे देखिए ये छींटे पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं अभी, तो कोई पता नहीं चल रहा आजकल मौसम का। इतनी गर्मी भी हो जाती है बीच में और बीच में बारिशें आ रही है, और फाइनली ये आ गए अभी। बारिश भी आ गई है और जैसे ही हम घर पहुंचे इतनी तेज बारिश आ गई कि गाड़ी में से उतरना मुश्किल हो गया। तो इसको देखिए जानबूझ के बारिश में भीग रहा है। ये तो बैठ गए आते ही बालकनी में, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी हवा आ रही है और साथ में देख रहे हैं बारिश। और ये वाला मैट सारा भीग चुका है क्योंकि इसको डाला था सुखाने के लिए, जब कल बारिश आई थी ना, रोज़ तो बारिशें आ रही हैं, तो वो सारी बारिश इस तरफ आई थी बालकनी की तरफ, और ये मैट सारा उठा दिया था मैंने क्योंकि ये सारा भीग चुका था। तो आज फिर से ये भीग गया अभी, और बारिश से मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये अभी कुछ दिन ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी फसलों को संभालने का टाइम है, तो बारिश सारा ख़राब कर रही है। तो कुदरत के आगे तो किसी का भी कोई जोर नहीं चलता। तो ये खा रहे हैं रसमलाई, तो यहाँ पे देखिए बारिश तेज पे तेज हो रही है। तो बारिश बहुत ज़्यादा देर नहीं आई, 20-25 मिनट ही बारिश आई थी लेकिन बहुत तेज वाली। इसी के साथ ही ये व्लॉग का एंड करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।